जय हिंद। फ्यूचर ओपन डेवर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग प्रिज्म एक्स ग्लोबल्स वेंचर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है, और कितना नीचे जाएगा और इस कंपनी का जो फंडामेंटल है और जो टेक्निकल एनालिसिस कहता है उसके यहाँ पे क्या कंपनी का शेयर प्राइस अब ऊपर की तरफ उठेगा या नहीं। हालांकि ये न्यूज़ भी सामने निकल कर आ रही है फ्रांस की तरफ से इस कंपनी को एक बड़ा डील मिला है, तो उस डील की बदौलत भी क्या कंपनी का शेयर प्राइस आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा आने वाले समय में या नहीं, इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में आसान भाषा में कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के काम की। काम से पहले बात करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, एक दिन में तकरीबन 1.5% का गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अभी भी इस स्टॉक में तेजी नहीं बनी है, गिरावट ही देखने को मिल रही है। और इसकी वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि जिनका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए, तथा नए लोग यदि एंट्री लेने की सोच रहे हैं इस कंपनी में तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले काम की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये जो कंपनी है शुरू से ही कमोडिटी फाइनेंस और स्पोर्ट्स तथा एंटरटेनमेंट के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है, और इस तरीके की जो कामकाज होती है जैसे फाइनेंस का भी काम देखती है, स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज भी कंपनी देखती है, और साथ में कमोडिटीज में ट्रेडिंग भी करती है। हालांकि पहले इस कंपनी का नाम कुछ और था, ग्रोमो ट्रेड और कंसल्टेंसी लिमिटेड था इस कंपनी का नाम। बाद में नेम चेंज करके प्रिज्म ग्लोबल किया गया। खैर, नाम के जाल में नहीं लचते हैं। काम के बिहाफ पे देखें तो कंपनी का ओवरऑल जो काम है कमोडिटी फाइनेंस एंड स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, कमोडिटी को यदि हटा दें, हालांकि इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है फाइनेंस और स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ जो है इंटरटेनमेंट सेक्टर में, इससे इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है। हालांकि फ्रांस की तरफ से जो ऑर्डर मिला है, हालांकि उस पर अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि वो ऑर्डर कितने करोड़ का मिला और वो जेन्यून है कि नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये मोहर नहीं लगा सकता कि फ्रांस की तरफ से जो ऑर्डर मिले हैं वो एकदम जेन्यून है और वो ऑर्डर अभी सच में मिल गए या नहीं, क्योंकि उसकी ऑथेंटिकेशन अभी नहीं है। अब चलिए अब हम लोग कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए यदि ऑर्डर मिलता है कंपनी काम करती है तो उसका वो काम वो तेजी इस कंपनी के फंडामेंटल में टेक्निकल एनालिसिस में दिखेगा। तो खैर, मिली अच्छी बात है, नहीं मिली तब भी जो कंपनी अपना काम करती है उसके बदौलत कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर मार्केट का देखेंगे 86 करोड़ के आसपास है, यानी कि 100 करोड़ भी नहीं है, तो पेनी स्टॉक में भी ये पेनी स्टॉक है। और शेयर प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू से कम है, ये थोड़ा सा नेगेटिव बात होता है। हालांकि शेयर प्राइस हमेशा जो है कंपनी का जो बुक वैल्यू होता है इससे ज़्यादा होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो ROE है और ROC है ये काफ़ी मतलब हैवी लेवल पर है, 5-6% के आसपास है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा के दे ही देगी। क्योंकि ये जो ROE होता है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कितना रिटर्न निकाल कर देगी। तो ये 5% के आसपास है, यानी कि जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप एक अनुमान लगा के चल सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में 5% रिटर्न निकाल कर दे ही देगी। तो अब चलिए हम सीधे लेकर चलते हैं आपको चार्ट पर, क्योंकि चार्ट पर ही हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं। तो 1 साल का चार्ट अभी मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है, और 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि साल के शुरू से ही कंपनी के शेयर प्राइस लगता है डाउन ट्रेंड में आ रहा था। यहाँ से देखेंगे डाउन ट्रेंड में आया, जनवरी तक भी डाउन आया, फरवरी से देखेंगे तो एक ही रेंज में तकरीबन 2 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस इस साल के शुरू से लेकर अभी तक तकरीबन 8 मंथ मान के चलिए खत्म हो गया, यहीं पर घूम रहा है। हालांकि आपको एक चीज़ यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जरूर देखेगी कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है इस 2 रुपये के लेवल को छोड़ के नीचे नहीं आ रहा है। कुछ दिनों तक यहाँ पर नीचे जरूर आया लेकिन फिर भी इसी रेंज को अभी भी पकड़े हुए, यानी कि यहाँ पर बायर और सेलर्स की पकड़ मजबूत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस हल्का सा डाउन ट्रेंड में जरूर घुमाए लेकिन ये फिर यहाँ से आएगा और इस लेवल के आसपास जो ये नीचे थोड़ा सा यहीं से आकर फिर इसका प्राइस घूम के ऊपर उठेगा। तो अभी क्या है कि जब क्वार्टर के रिजल्ट 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर के रिजल्ट, तो वो जो फंडामेंटल मजबूत होगा उसकी बदौलत यहाँ से एक जोरदार छलांग आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको सीधे 3 रुपये फिर 4 रुपये तक जाते हुए दिखेगी। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं उसी से कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होते हुए दिखता है। यहाँ पर एकदम क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करें तो आप पाएंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में जो कंपनी का सेल्स है ये क्वार्टर में देखें तो कम ही हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दिसंबर मार्च और जून क्वार्टर के रिजल्ट में लगातार कंपनी का सेल्स कम हो रहा है, तो जब सेल्स कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर का रिजल्ट में कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए दिखे। जब सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यदि कंपनी के ऊपर कुछ डेप्ट भी है तो डेप्ट कम हो जाएगा, और डेप्ट कम होने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट बनते हुए आपको दिखेगा। तो प्रिज्म एक्स ग्लोबल के बारे में देखिए यही कहूँगा कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो 2 रुपये के लेवल के आसपास प्राइस घूम रहा है तो वहाँ तक कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, 2 रुपये से नीचे जाते 1.5 रुपये के आसपास जाता है तो आप अपना पोजीशन हाफ कर सकते हैं। नए व्यक्ति अब एंट्री मत लीजिएगा जब तक कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपये को ऊपर उठकर कुछ दिनों तक सस्टेन करके ट्रेड ना करने लगे। उम्मीद करता हूँ प्रिज्म एक्स ग्लोबल के बारे में जो बातें बताई आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।